तो ओके सो गाइस यार आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई टिकटॉक पे ये वाला वीडियो से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसको जो मैं बताऊंगा इतना आसान तरीका बताने वाला कि जो है कि मतलब इसमें कोई भी ऐप की आवश्यकता नहीं है, आप इससे बिल्कुल इसे टिकटॉक ऐप में बना सकते हो। फिलहाल मैं बता दूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ, जैसा कि आपको कोई यूट्यूब पर माई हलाल नहीं बताया होगा जैसे कि मैं बताया हूँ। और आपको बता दूँ 100% गारंटी दूँ कि आप इस तरीके का वीडियोज़ बना सकते हो और इस तरीके का वीडियो बना के बहुत सारे लाइक पा सकते हो। यार आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, बस बोल दूँ कि जो लोग नहीं भाई सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ में घंटी को दबा देना ताकि आपको टिकटॉक के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहें। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस वीडियो को, चलिए जल्दी से सीखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सो ओके यार अब सबसे पहले आपको करना है कि हमें लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, इस वीडियो पे क्लिक करके सिंपल सा इस वीडियो पे आ जाइए अपने टिकटॉक के ऐप पर। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना प्लस का आइकॉन, ठीक है, ये प्लस का आइकॉन छोड़ दीजिएगा। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना गोला सा, इस पर एक सिंपल क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही क्लिक करोगे ना फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे दिया है यूज दिस साउंड, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ना यार आपका जो कैमरा है वो सिंपल सा ओपन हो जाएगा। तो चलिए जो मैं यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखिए, और मेरा जो यहाँ पे है ये मेरा कैमरा सिंपल सा ओपन हो चुका है। तो देख पा रहे हैं मेरा जो वीडियो से कुछ इस तरीके का भी हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो अपना ट्राइपॉड हो मतलब कि खड़े इस मतलब इस एंगल पे जो है सेट करना। तो चलिए मैं उस एंगल पे सेट करके आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो ओके सो गाइस देख पा रहे हैं आज जैसे कि मैं भी देखिए किस एंगल में जो है मतलब कि सीधे सीधे मैंने अपने फ़ोन को जो है खड़ा खड़ा करके यहाँ पे इस तरीके का वीडियोस जो है शूट कर लिया हूँ। सो गाइस आपको करना क्या है, आपको इसके बाद आपको सिंपल सा करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है टाइमर का बटन ना, इस पर सिंपल सा क्लिक करिए। जैसे आप इस टाइमर वाले बटन पर क्लिक करोगे फिर आपका जो साउंड है आपको यहाँ पे सुनाने लगेगा, मतलब आपको साउंड जो है आपको बजने लगेगा। तो आपको करना क्या है, अपना साउंड यहाँ पे आपको कुछ यहाँ तक का कर लेना है, ये यहाँ तक आपको ऐसे पे रखना है, ठीक है। और यहाँ तक जो है मतलब कि जहाँ तक रेड लाइन है ना इसके पीछे का जो साउंड हो वो बजेगा और आगे का जो साउंड हो वो नहीं बजेगा। तो चलिए आपको जो वीडियो से यहाँ पे शूट कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से आपको स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं जो यहाँ पे स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे जो अपना रोल करता हूँ, शूट करता हूँ वीडियोज़ को। तो सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने एक पार्ट जो है इसका शूट कर लिया। चलिए मैं यहाँ पे सही वाले बटन पे क्लिक करके सिंपल सा दिखाता हूँ कि हमारा जो वीडियो से कुछ तरीके का यहाँ पे शूट हुआ है। तो देखिए हमारा जो वीडियो से कुछ इस तरीके से शूट हुआ है, आप देख लीजिएगा। लास्ट में अपना जो शर्ट है उसे खींच दीजिएगा ताकि लगे कि आपने अपना शर्ट यहाँ पे चेंज किया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अभी यहाँ तक बना है आपको फिर से बैक करना है, ठीक है, इसको बैक कर लेना है। और फिर से यहाँ पे टाइमर वाले बटन पर फिर से क्लिक करिएगा और यहाँ पे ले आइएगा, ठीक है, इसको आधे पे रखिएगा, यहाँ तक लाइएगा। और फिर यहाँ से जो है वीडियोज़ को शूट करना होगा। तो यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करिएगा। चलिए मैं अपना यहाँ पे कपड़ा जो है उसे चेंज कर लेता हूँ। तो ओके सो गाइस यार देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसा है कि अभी हमने जो अपना मतलब यहाँ पे जो कपड़ा है उसे बिल्कुल भी चेंज कर लिया। और मैं अपना जो ईयरफोन है अच्छे से कर लेता हूँ ताकि आपको आवाज़ सुनाई पड़े। और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका मतलब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने 3 सेकेंड चलेगा टाइम। जैसे ही 3 आता है आपको कुछ ऐसे करना है मतलब लगे यार कि आपने जो है नया कपड़ा पहन लिया। तो चलिए इसका जो पार्ट है उसे भी जल्दी से शूट करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करिएगा और देखिए यहाँ पे वीडियो कैसे शूट करना है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट जो है इसका और भी शूट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक पार्ट इसका शूट कर लिया है। तो अभी चलिए आपको फिर से एक बार सही वाले बटन पे क्लिक करके दिखा दूँ कि हमारा वीडियोस जो है किस तरीके का बना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरा वीडियोस किस तरीके का बना है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यार वीडियो देखने में। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कपड़ा चेंज करता हूँ कैसे यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैंने कपड़ा चेंज कर लिया। फिर आपको करना क्या, फिर से आपको बैक करना है और फिर से आपको टाइमिंग पे क्लिक करना है, टाइमर पर क्लिक करना है। और ये जो ऑटोमेटिक जो ये लाल वाला है मतलब लाइन वो अंत में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बस मतलब कि लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे शूट करना है, एक कपड़ा और चेंज करिए। चलिए फिर अपना जो जल्दी से कपड़ा चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाना। तो ओके सो गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है मेरा अपना जो कपड़ा वो बिल्कुल भी चेंज कर लिया। लास्ट वाला ध्यान रखिएगा आपको कि इसमें 3 कपड़े चेंज करने होंगे। तो ये लास्ट है, इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करना है और इस वीडियो को भी कुछ मतलब अच्छे तरीके से शूट कर लेना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इस वीडियो को शूट करना है। स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करिएगा। तो सो गाइस देख पा रहे हैं यार मेरा जो वीडियोस है पूरा शूट हो चुका है। ये देखिए मेरा वीडियोस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बना है। आप देखते रहिए कैसे मेरा वीडियोस जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये देखिए और मेरा वीडियो देखिए कैसे बना है। देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा कैसे चेंज कर दिया, बिल्कुल भी पता नहीं चला और फिर से मैं यहाँ पे जो कपड़ा चेंज कर लिया। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा इफेक्ट पे क्लिक करिएगा। अगर आप इफेक्ट इसके अंदर डालना चाहते हो तो मैं चलिए थोड़ा सा इसमें जो है इफेक्ट डाल देता हूँ। ये दूसरे वाले इफेक्ट को थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, सॉरी यहाँ पे जो दिख रहा है, सॉरी ये जो देखिए सेव का बटन दिख रहा है ना, इस पे सिंपल सा क्लिक करिएगा और फिर आपके सामने जो नेक्स्ट का बटन आएगा इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो है अपना टाइटल वगैरह लिख के अपने टिकटॉक आईडी पे पोस्ट कर दीजिए। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करिएगा। तो ओके सो दोस्तों आशा करता हूँ यार कि मेरा जो टिकटॉक वीडियोस था आप लोगों को बिल्कुल भी बनाने आ गया होगा। आप इस बिना मतलब किसी परेशानी के आप इस वीडियो को बना सकते हो। और सो गाइस बोल दो यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना इस वीडियो को और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी लोग इस तरीके के वीडियोस बना के टिकटॉक पे अपलोड करके अच्छे खासे लाइक और फॉलोअर पा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।